अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं सलाहुद्दीन। जमात इस्लामी कराची ने कुछ दिन पहले लाखों की तादाद में हकूक़े कराची मार्च किया, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब ने शिरकत की और उन्होंने पैगाम दिया कि हम एक हैं और हम अपने कराची के हकूक लेना भी जानते हैं और लेकर रहेंगे। और कराची के इशू पर पूरे कराची बाहर निकला और आवाम और हुकूमत को बताया कि अब हम खामोशी से नहीं बैठेंगे अपने घरों में, बल्कि अब हम सड़कों पर निकलेंगे और तुम्हारा घेराव भी करेंगे, जिसकी क़यादत हाफिज नईमर रहमान ने की। और उन्होंने एक लाए अमल उन्होंने ये दिया कि इंशाल्लाह ताला हम आवाम की खातर अब सड़कों पर आएंगे और उनके हुक्मरानों के गिरेबान को पकड़ेंगे, जिन्होंने गरीब आवाम को जिंदगी अजीरन बना दी। जमात इस्लामी कराची पहले भी आवाम की खातर सड़कों पर निकलती रही है और निकलेगी। के लाटरी का मसला हो, शनाख्ती कार्ड का मसला हो, पानी का मसला हो, जो भी मसला हो, जमात इस्लामी ने आवाम की खिदमत के लिए आवाज उठाई। मुझे याद है कि आवाम की खातर हाफिज नईमर रहमान को जेल में भी डाला गया, उनको कैद भी किया गया, उनको पकड़ा भी गया। इस वजह से पकड़ा कि वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों को क्यों धमकियां देते। इंशाल्लाह ताला कराची की आवाम, बल्कि पूरा पाकिस्तान हाफिज नईमर रहमान के साथ खड़ा। और इंशाल्लाह ताला ये खड़ा नहीं है, बल्कि हम अपनी कुर्बानियां भी पेश करेंगे, अगर देनी पड़ी तो खून की भी, तो हम खून की भी कुर्बानी देंगे, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा कैपिटल शहर है। एक वक्त था कि जिसे ऐसा मेयर मिला कि जिसने कराची को रोशनियों का शहर बना दिया, और उसके बाद आज जितने भी मेयर आए और जितनी भी हुकूमतें आई, उन सब ने इस कराची को लूटा ही है और कुछ नहीं किया, आवाम को लूटा और उनके हकूक पर डाका डाला। और इसी इशू को आज हाफिज नईमर रहमान हकूक कराची के हवाले से मैदान में आए हैं और उन्होंने लाखों की मजमे के सामने ऐलान किया और लाए अमल दिया कि 15-16-17 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला हम रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम कराची के हवाले से होगा और हम उनको बताएंगे कि कराची की आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कराची गए और उन्होंने कुछ बजट दिया, और बजट कितने लोगों का दिया? 1.5 करोड़ का। और पाकिस्तान कराची की आवाम वहां पर 3 करोड़ रहती है। ये तो बताया जाए कि वो बजट 1.5 करोड़ का था या 3 करोड़ आवाम का था। इतना कम बजट 3 करोड़ आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। ये समझते हैं कि आवाम को लॉलीपॉप देकर अब खामोश कर दिया जाएगा। अब आवाम खामोश नहीं होगी, अब उनको एक हकीकी ईमानदार लीडर मिल चुका है। जिस तरह उनको नेमतुल्ला खान जैसा मेयर मिला था, अब उसको दोबारा मेयर मिलने वाला है। अब कराची का हर बेटा, हर जवान अपने हकूक की आवाज के लिए बाहर निकलेगा और अपना हकूक लेना भी जानते हैं और हम अपना हकूक लेकर दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला हाफिज नईमर रहमान के साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। पूरा कराची जिस तरह पहले निकला था, इंशाल्लाह आइंदा भी 15-16-17 अक्टूबर को निकलेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि आज की बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची के अंदर जो जमात इस्लामी के बैनर लगाए गए थे, वो जलसे के फौरन बाद ही उतार लिए गए। ठीक मानते हैं कि बैनर उतार लिए, लेकिन आज जो वाकया पेश आया वो जमात इस्लामी के परचमों को उतारने के वाले से है। ये गवर्नमेंट के लोगों ने ये परचम उतारे हैं। क्या तुम हमारे परचम, जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, इससे भी तुम बुग़्ज़ करते हो, इससे भी हसद करते हो? खुदा का खौफ तुम्हें नहीं खत्म हो चुका है?
तुम किस तरह हमारे परचमों को तो उतार सकते हो, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है, जो ईमान है और ताकत है, उसको तुम रोक नहीं सकते इंशाल्लाह ताला। और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इन लोगों को बेनकाब करके सामने लाया जाए, वरना जब जमात इस्लामी बाहर निकलेगी तो फिर हालात कुछ और होंगे, और हालात फिर ऐसे होंगे कि हर चोर डाकू के लिए छुपने की जगह नहीं होगी, और वो छुपना चाहेगा तो वो छुप नहीं सकेगा। और इंशाल्लाह ताला अब वक्त आ गया है कि कराची को निकलने का वक्त, हर नौजवान के निकलने का वक्त आ चुका है, और इंशाल्लाह ताला कराची की आवाम अब सड़कों पर होगी, चाहे वो एक छोटे से बच्चे का हक हो या बूढ़े का हक हो, इंशाल्लाह ताला हाफिज़ नईम उर रहमान की क़यादत में हम अपना हक लेंगे।